नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के बरेली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने मायावती और नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे। उन्होंने मायावती पर बोलते हुए कहा कि मायावती ने जो विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी की है वो सही नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू पर बात करते हुए सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मीडिया में बने रहने की आदत है, क्योंकि वो बहुत दिनों से मीडिया से दूर रहे थे। एक गंभीर अपराध होता है और उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा तो बराबरी दी गई दोनों लोगों को। अब वो जो है वो इलेक्शन का खबर यूपी के सीतापुर से है। यहां सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा नामांकन में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के आगमन पर भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी को हटाने की साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाली पार्टी है और जो लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते उनको बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आज भी अपने संस्थापक को पूजती है, अपने संस्थापक का तख्ता नहीं पलटती। मैंने बहुत बार देखा है राजनीति में सत्ता का परिवर्तन होता है, राजनीति में एक दूसरे के पद का धारण होता है। पहली बार समाजवादी पार्टी में संस्थापक का तख्ता पलट हुआ है। यूपी के बदायूं बिलसी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है। साथ ही कहा कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस या गठबंधन का नहीं बल्कि चुनाव जनता के भविष्य का है। यूपी के लखनऊ पहुंचे कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध महामंडलेश्वर स्वामी नामदेव त्यागी महाराज ने कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए प्रचार किया। इस दौरान जय जय सियाराम और जय जय कांग्रेस के नारे लगाए गए। कहेंगे कि सेना की शहादत पे माननीय मोदी जी वोट मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये शर्म की बात है। क्या आपने 5 साल कुछ नहीं किए? आपने GST लगाई तो उसमें वोट मांगो ना। आपने नोटबंदी किया तो उसमें वोट मांगे ना। आपने 3 तलाक किया तो उसमें वोट मांगे ना। अरे जो किया उसमें वोट मांगे ना। आप सेना की शहादत में वोट मांग रहे हैं। ये धर्म विरोधी सरकार है। मोदी सरकार धर्म विरोधी है। पता चला है कि ये जो है ना मुखौटा जो है हिंदू धर्म का लगाते हैं, सनातन धर्म का लगाते हैं, संत समाज का लगाते हैं, पर ये कट्टर हिंदू विरोधी है। इसलिए पूरा संत समाज मैदान में आ गया है और सभी का कहना है राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। खबर यूपी के लखनऊ से है। यहां मंडियाओ गांव थाने में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। यूपी के कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते गांव के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने प्रधान और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद से प्रधान और उसके भाई मौके से फरार हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रधान और उसके भाई के घर में जमकर तोड़फोड़ की। ये लड़का हमारी गाड़ी में देख भाग करता था, पुरानी रंजिश के कारण से मार दिया था। किस चीज से मारा गया उसे? गोली से मारा। कितने टाइम की घटना है ये? 9:30 बजे। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी उठा लेगी रिपोर्ट, लिखेंगे। लिखते लिखते तो हो गए, उनको बहुत दिन समझाते जाते, 1 साल से परेशान है, कुछ नहीं जाए। ज़्यादातर इसमें अरुण थानेदार बहुत एकदम देखता है। देखिए एक सुहेल सलाम निसार लगभग 18 के आसपास, उसके चेस्ट में निपल के ऊपर हार गोली लगी है। जहाँ पर डेड बॉडी मिली है वहाँ पर उसके पास बगल में एक कट्टा भी था और उसके जेब से कुछ कारतूस मिले हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब इसने आत्महत्या की, जबकि मृतक पक्ष का कहना है कि उसी गांव का जो प्रधान है, प्रधान का भाई है, इन लोगों ने हत्या की है। प्रथम दृष्टया पुलिस जो है इसको जल मान करती है, उनके तारीख का आधार पर मुकदमा काम करती है, पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रही है। फॉरेंसिक टीम को बुला गया, वहाँ से कुछ वैज्ञानिक प्रूफ दिए गए हैं और जो प्रधान के पास CCTV कैमरा था उसका भी मीडिया दिया गया है।
यूपी के प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में खुलेआम मरीजों से रिश्वत ली जा रही है। साथ ही अस्पताल में डॉक्टर भी नदारद हैं और साफ सफाई के हाल बेहाल हैं। इन सब से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाज के नाम पर जिस तरीके से रिश्वत ली जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। असम के बरपेटा, दुबोरी और कोकराझार लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते AIUDF पार्टी भी अपने प्रत्याशी आजमल और हाफिज के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। पार्टी दोनों ही प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही है। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने शर्मसार करने वाला बयान दिया। फरीदकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शमशान बनाऊंगा जिसे देखकर बुजुर्गों को मारने का मन करेगा। अमरिंदर के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है और चौतरफा अमरिंदर के इस बयान की निंदा की जा रही है। शमशान का आरक्षण छोड़ा, उजड़े आ गया शमशान का, वो नया बनाऊंगा शमशान का थोड़ा। मेरा पावे 10 लाख लग गए, जेडे कई बुजुर्ग जी है ना 80 वाले, उनका दा दो शमशान का आठ नु वेख के ही मरन नु जी करूंगा ऐ जा बनाऊंगा। नहीं मैं चीज बनाऊंगी टॉप दी। ओ यार साडे बुढ़े नु फूके आईए होइए बापू नु ते बेबे नु कुत्ते कुत्ते हग्गी जान। इन्ना मारा हाल पिंड दा पैसा गया किथे? हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने फैजाबाद लोकसभा सीट के चुनाव के लिए अपना पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास है। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा, हमारा पहला उद्देश्य बेरोजगारी मिटाना है, जिसको लेकर हिंदू समाज पार्टी सालों से सक्रिय है। और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने के कारण कई बार अयोध्या में आंदोलन किए, वो कई बार जेल यात्रा भी की। और राम मंदिर का जो ज्वलंत मुद्दा है उसे भाजपा ने छेड़ दिया, जिसके चलते हम लोगों को स्वयं राजनीतिक मैदान में आना पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार और SSI वासिफ सिद्दीकी और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गाड़ी और 10 से ज्यादा दुपहिया वाहन बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने भारी असलहा भी बरामद किए। बता दें, पकड़े गए आरोपियों पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। ये मंसूरपुर थाना और क्राइम ब्रांच ने मिलकर दोनों ने मिलकर एक सराहनीय काम किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनका नाम आखिर है, गुलशन है और एक और अभियुक्त है, जिनके साथ बरामदगी जो हुई है वो 2 सेंट्रो कार और 9 मोटरसाइकिल और इनकी बरामदगी। यूपी की बहराइच पुलिस ने 930 सीसी अवैध नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस और SSB के संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 3 व्यक्ति साइकिल पर बोरी भरकर शराब की बोतलें नेपाल से भारत ला रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने रोका तो तीनों सामान छोड़कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा, लेकिन एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए जो है चेकिंग जो है चल रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ SSB भी चेकिंग कर रही है और साथ में लोकल पुलिस नवाबगंज पुलिस भी साथ में रह के चेकिंग करती है। इसी चेकिंग के दौरान आज पिलर संख्या 623 और 24 के बीच में तस्कर नेपाल से शराब ले आ रहे थे। 9:30 CC पकड़ी गई है, जो 300 लीटर है, और ये अवैध शराब 2 मनोज और राजराम के पास से बरामद हुई है, जिसके खिलाफ जो थाने पर मुकदमा लेके कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सुल्तानपुर में रेलवे लाइन का काम पिछले 42 सालों से अधूरा पड़ा है। दरअसल शाहगंज जैनपुर कादीपुर अमेठी रेलवे स्टेशन से लगभग 150 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाए जाने की मांग पिछले 42 साल से उठाई जा रही है, लेकिन आज तक स्थानीय लोगों की आवाजों को दबा दिया गया। वहीं परेशान स्थानीय लोगों ने चुनाव में नेताओं को सबक सिखाने के लिए कदम बढ़ाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो वोट उसी पार्टी को देंगे जो हमारी परेशानी को हल करेगा। बड़ी दुख की बात है, आज तक जो भी सांसद यहाँ से जीत के गया है, आज तक सांसद पार्लियामेंट में कोई इसका आवाज नहीं उठाया है। और मैं भी कहना चाहता हूँ, यहाँ से जो भी सांसद यहाँ से बन के जाए, ये हमारी बात
पार्लियामेंट में कहें और इसको निर्माण कराने के लिए पूर्ण रूप से इसको बाधित बने और इसका निर्माण रेलवे लाइन का कराएं। यूपी के फैजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल ने आखिरी चरण में भीमराव अंबेडकर दल से 2 सीटों पर नामांकन भरा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, साथ ही कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो अयोध्या की चमक बदल दूंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस भर्ती की डॉक्टरी के दौरान 1,00,000 रुपए की वसूली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक शख्स ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ने अधीनस्थों समेत मेडिकल टीम को जमकर लताड़ा, साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल मुजफ्फरनगर में इन दिनों पुलिस लाइन में भर्ती के लिए मेडिकल प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान एक शख्स ने मेडिकल टीम पर वसूली का आरोप लगाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर पुलिस कर्मियों से भरी तेज रफ्तार मिनी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी गोरखपुर से ट्रेनिंग कर लौट रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। एमपी के शिवपुरी में शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी समेत जिला प्रशासन ने तात्या टोपे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रगान के वक्त एक पुलिसकर्मी राष्ट्रगान का अपमान करता नजर आया। बता दें, राष्ट्रगान के वक्त एक पुलिसकर्मी रस्सी बांधता नजर आया। राजस्थान के भरतपुर के रसिया गांव में पहाड़ में बकरी चराते वक्त युवक पहाड़ से गिर गया। पहाड़ से गिरने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में CHC अस्पताल ले जाया गया। हालांकि युवक अचानक पहाड़ से कैसे गिरा यह अभी पता नहीं चल पाया है, फिलहाल युवक का इलाज जारी है। राजस्थान के भरतपुर के नगर कस्बे में मतदान के लिए जागरूक करने के लिए दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेला मैदान में दीप प्रज्वलित कार्यक्रम रखा गया, जहां उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार यादव भी मौजूद रहे, साथ ही नगर तहसीलदार त्रिलोक चंद्र गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। असम का जातीय उत्सव बिहू बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें, पर्व नए साल के मौके पर मनाया जाता है, जिसे निजर का दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिला आसनसोल लोकसभा सीट से TMC प्रत्याशी अभिनेत्री मुनमुन सेन ने जनसभा की। हालांकि इस जनसभा के दौरान मुनमुन सेन राजनीतिक मुद्दों से परहेज करती दिखी और जनता से खुद के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रिया को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे। नागौर संसदीय क्षेत्र से NDA के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आयोजित सभा में भाजपा के कई दिग्गज मौजूद रहे, जिनमें राजस्थान भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, भाजपा उपाध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई और राजेंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मंत्री नहीं संतरी बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद का लालच दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। सीकर की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए बेनीवाल ने कहा कि देश में कानून का राज है, ये पाकिस्तान नहीं है। मैंने DGP और SP से बात की है, मैं दो जातियों को लड़ने नहीं दूंगा, बीच में दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज TV।